तस्वीर जरा जल्दी से आपको लिए चलते हैं। संसद भवन से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पुरानी संसद भवन में इस वक्त वो ग्रुप फोटो, और देखिए आप किस तरीके से यहां सांसद पहुंचे हुए। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोकसभा सांसदों का ये ग्रुप फोटो सेशन हो रहा है। पीछे मनीष तिवारी भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ अपने मोबाइल में भी कुछ सांसद आपको नजर आ जाएंगे सेल्फी लेते हुए। तो ये बाकायदा आप देख रहे हैं कि ग्रुप फोटो की तैयारी पूरी है। ये जो पुराना संसद भवन है उसी के कोर्टयार्ड वन में, जो गेट नंबर वन के बिल्कुल सामने है, वहीं पर ये अरेंजमेंट किया गया है ग्रुप फोटो का। तीन ग्रुप फोटोज होंगी, एक लोकसभा सांसदों की, दूसरी राज्यसभा सांसदों की, और तीसरी में दोनों राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होंगे। दिखाते हैं आपको मौके से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। संसद के इतिहास के लिए आज है एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि जो ये पुराना संसद भवन है जिसके गेट नंबर एक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये अब इतिहास के पन्नों में पुरानी संसद के नाम से दर्ज हो जाएगा। ये गेट नंबर एक, जहाँ पर जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन आए थे तो इसी गेट नंबर एक पर आकर के मत्था टेका था, और उसके बाद में वो सदन के अंदर गए थे, और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जो ठीक मेरे पीछे है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से इस वक्त जो तमाम सांसद है वो आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। सामने सेंट्रल हॉल है, और सेंट्रल हॉल के ठीक सामने सांसद कतारबद्ध सूची में खड़े हुए हैं, क्योंकि 9:30 बजे से फोटोग्राफ क्लिक होने हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफ, जिसमें जो तमाम सांसद लोकसभा के, फिर राज्यसभा के, फिर ज्वाइंट फोटोग्राफ लोकसभा राज्यसभा के सांसदों का। तो कुछ इस तरीके की जो तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं, जहां पर देख सकते हैं कि तमाम सांसद, फिर चाहे वो मंत्री हो, फिर चाहे वो सांसद हो, किसी भी राजनीतिक दल के सांसद हो, वो पहुंच रहे हैं। आज यहाँ से जो फोटोग्राफी होगी, जो ज्वाइंट फोटोग्राफ होगा, उसके बाद में तमाम सांसद शिफ्ट होंगे इस नए संसद भवन में। जी हाँ, ये नया संसद भवन, और गेट नंबर एक के ठीक सामने ये है मकर द्वार, और यहाँ से ऐसी जानकारी मिली है कि तमाम सांसद संसद इस नए संसद भवन में होंगे दाखिल, और इस वजह से आज का दिन है अपने आप में ऐतिहासिक। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, दिल्ली। और इस बीच ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, किस तरीके से जो सांसद हैं वो ग्रुप फोटो में अपना चेहरा दिखाने के लिए एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये लद्दाख वाले सांसद लग रहे हैं जो पीछे से चढ़कर पहुंचे हैं, नाम गया वही पहुंचे हैं, बड़े एक्रोबैटिक्स दिखाते हुए यहाँ पर, अपने एक्रोबैटिक्स के स्किल दिखाते हुए एडजस्ट होते हुए इस ग्रुप फोटो में। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी और अक्कु श्रीवास्तव जी, और अक्कु श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर, जल्दी से आपकी। बड़ा मजेदार ये है कि राहुल गांधी ऊपर टंगे पड़े हुए हैं, लेकिन इसको किसी प्रोटोकॉल से ना जोड़ा जाए, एक तरफ, दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल भी लटके हुए हैं ऊपर, तो ये बड़ा रोचक है और बहुत देखना बड़ा मजेदार है। वो बात दूसरी की ट्रोलर अपने तरीके से देखेंगे, लेकिन ये फोटोग्राफ और इसमें आना, इसको देखना, इसमें समाहित होना एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसको हर आदमी, और आप देख रहे हैं सांसद कैसे ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए पुराने संसद भवन में पहुंच रहे हैं, और अब वो पल किसी भी वक्त तस्वीरें आएंगी जब ग्रुप फोटो में एक साथ सब खड़े हुए एक ही फ्रेम में नजर आएंगे। तो संसद भवन के भीतर, अच्छा ये तस्वीरें देख लीजिए जरा, किस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत यहां पर आगे बढ़ते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप देख रहे हैं, वो यहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी लोकसभा पहुंच गए हैं, संसद भवन पहुंच गए, पुरानी संसद भवन की इमारत है, और यहीं पर कोर्टयार्ड वन में ग्रुप फोटो का जो इंतजाम किया गया है, कई खट्टी मीठी यादें जिसका जिक्र कल जब विशेष सत्र के पहले दिन इस पुरानी संसद भवन को एक तरीके से विदाई दी जा रही थी, 75 साल के सफर को याद किया जा रहा था, तब उन तमाम बातों का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का संबोधन वाकई में ऐतिहासिक इस रूप में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल के सफर को अपने उस संबोधन में पिरोया, और पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सबके गौरवगान का समय उसे करार दिया, और अब आज वो घड़ी जब विदाई इस पुरानी संसद को दी जाएगी और नए संसद में प्रवेश किया जाएगा। नए संसद का श्री गणेश होना है, लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ और यादें समेटने की तैयारी, और इसीलिए ये ग्रुप फोटो जो उसका आयोजन किया गया है, तीन ग्रुप फोटोज होंगी, एक में सिर्फ लोकसभा सांसद, दूसरे में राज्यसभा सांसद, और एक ज्वाइंट ग्रुप फोटो।
उसी की ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं संसद भवन में जो फोटो सेशन चल रहा है। और देखिए राहुल गांधी यहाँ तस्वीर में कोने में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल अपने मोबाइल पर बिजी भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं वो कर रहे हैं शुक्ला जी, मतलब यहाँ पे किसी को प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं, जिसको जहाँ जगह मिली है वो वहाँ पर खड़ा हो जाए, यही अरेंजमेंट लग रहा है फिलहाल? मुझे लगता है प्रोटोकॉल की व्यवस्था करना संभव भी नहीं होगा, क्योंकि कई सांसद के लिए सीट रिजर्व कर पाना भी, हाँ इतना जरूर है कि एक अपने यहाँ एक परंपरा होती है वरिष्ठता की, तो मुझे लगता है जो वरिष्ठ सांसद होंगे उन्हें आगे निश्चित तौर पर जगह दी गई होगी, और जो काफ़ी सीनियर हैं उन्हें अग्रिम पंक्ति में, और उसके बाद जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो अपने आप एक परिवार की तरह देखिए सबके सब अपने हिसाब से समायोजन कर रहे हैं। और इस बात का जिक्र जो आपने परिवार शब्द का इस्तेमाल किया ना, इसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया कि वाकई में यहाँ संसद में खड़े होकर आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद सब होता है, लेकिन जैसे ही संसद से बाहर निकलते हैं तो सबके अंदर एक परिवार वाला भाव आ जाता है, और वो प्रेम वो स्नेह और लगाव ऐसा कि संसद सदस्य आप ना भी रहें तब भी अगर दिल्ली आना होता है तो इस संसद भवन में और जो सेंट्रल हॉल है वहां आकर हर कोई एक तरीके से जैसे आस्था के केंद्र में मत्था टेकते हैं ना, तो वो नियम जरूर बना रहता है। देखिए जहां तक आस्था के केंद्र का सवाल है उससे ज्यादा ये होता है राजनीति में, मैं बहुत मतलब चिकनी चुपड़ी बातें कहता रहूं तो उसका भी बहुत मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है यहाँ। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिलहाल तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भीतर आते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी नजर आ रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से अगवानी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर पहुंच गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर पहले से मौजूद, तमाम सांसद वहां पर पहले से मौजूद, और लीजिए ग्रुप फोटो के लिए जहां सभी सांसद पहले से ही मौजूद हैं वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, और अब ये फ्रेम मुकम्मल होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। राकेश शुक्ला जी अब तस्वीर पूरी हो गई है, अब आप इसमें ये पता करना बड़ा कठिन होगा कि कौन सत्ता पक्ष का सांसद है कौन विपक्ष का सांसद है। जैसे जिस तरीके से सबसे रुचिकर भोजन अपना खिचड़ी होता है, आप इस फोटो में देखेंगे कि दाल और चावल मिक्स की तरह सारे सांसद मिक्स है, और इसमें ये अंतर करना कठिन है, और मुझे लगता है भारतीय संसद की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर होगी, और फ्रेम करके दीवार पर ये तस्वीर ये तमाम सांसद जो इसमें हैं वो अपने घर में जरूर दीवार पर लटकाएंगे। लेकिन ये भी अच्छा है कि आज के दौर में ये तस्वीर हो रही आ रही है, तो तकनीक के सहारे से कम सबके मोबाइल में भी ये तस्वीर आ जाएगी, और फिर इनलार्ज करके अपनों को दिखा पाएंगे वो देखो यहाँ पर हम हैं जी। और ये तस्वीर एक सेकंड सर, बस एक सेकंड, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। तस्वीर आप देखिए, नीचे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, जो वरिष्ठ सांसद हैं वो नीचे, उनके लिए कुर्सियां भी रखी गई हैं। अच्छा, कुछ सांसद जो हैं वो बाकायदा आलती पालती मारकर नीचे बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, और स्कूल की ग्रुप फोटो याद आ रही है जहां बीच में क्लास टीचर हुआ करती थी, और उनके इर्द गिर्द हम सब जो छात्राएं वो बैठ जाती थी, और जिसको जहां जगह मिलती थी, और हर कोई चाहता तो थोड़ा बीच में जरा क्लास टीचर के पास में उसको जगह मिल जाए, तो कुछ वही कोशिश यहां पर भी बहुत से सांसदों की होगी कि वो सेंटर ऑफ द फ्रेम में उनको जगह मिले। कुछ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और खासतौर से हम जो परिवार में शादी ब्याह के मौके पर जब देखते हैं, जब छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी हाइट भी कम होती है वो अपना मस्ती करते हुए आगे बैठ जाते हैं, उसी तरीके से बैठ गए हैं सब लोग, उसमें कोई वो नहीं। और मैं एक हल्के से क्रम में देख पाया हूँ कि सोनिया गांधी को पहली रो में दिखाया गया, थोड़ा राइट हैंड पे जी, वो बिल्कुल बैठी हुई नजर आ रही है वहां पर, गुलाबी रंग की साड़ी में सोनिया गांधी वहां पर नजर आ रही है। और एक पहली एक दो रो जरूर उन्होंने जो वरिष्ठ जितने हैं सांसद या मंत्री उनके लिए रखी, वो मंत्री जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी देखा आखिरी रो में पटेल और ये ग्रुप फोटो जॉइंट मुझे लगता है हो रही है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर धनखड़ साहब भी नजर आ रहे हैं राज्यसभा के सभापति, आप ओम बिरला को देख रहे हैं, हरिवंश जी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफ, आप उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, अमित शाह जी के लिए एक जगह खाली है जी, बिल्कुल वहां पर गृहमंत्री अमित शाह बैठेंगे, उसके बराबर में एक और कुर्सी खाली है, फिर नितिन गडकरी वहां पर नजर आ रहे हैं, और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर अन्य सांसद, और नीचे बैठे हुए रामकृपाल जी नजर आ रहे हैं नीचे बैठे हुए इन सांसदों में। तो कुल मिलाकर ये तैयारी इस रूप में कि तस्वीर में इन यादों को कैद कर दिया जाए, वो भी फर्स्ट रो में है उसके साथ में पीछे सेकंड रो में है, और जो मंत्री हैं विज्ञान मंत्री वो पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि
सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि शायद ये बाकायदा व्यवस्था की गई, मतलब बताया गया है किसको कहां पर बैठना है या किसको कहां पर खड़ा होना है। शुक्ला जी, अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। नहीं नहीं, निश्चित तौर पे ये कहा गया होगा कि आप किस रो में रहेंगे, लेकिन कहाँ पे रहेंगे ये मुझे लगता है कि ये कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं होगा, क्योंकि 550 सांसदों को ये कहना कि आप सिर्फ इसी जगह पे रहेंगे, या तो फिर नाम पट्टिका देना चाहिए, तो वो नहीं दिया गया। इसका मतलब ये कहा गया होगा कि आप तीसरे रो में रहेंगे, आप चौथे रो में रहेंगे, आप पांचवें रो में रहेंगे, एक व्यवस्था के तहत ये बात बताई गई होगी। मैं आपके पास आऊंगी सर। और इस बीच आप देख रहे हैं वो जो दो कुर्सियां थी, एक पर अमित शाह और दूसरे पर पीयूष गोयल यहां पर बैठेंगे। पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं वो इस समय राजनाथ सिंह के बिल्कुल बराबर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और वो जो एक खाली कुर्सी इस वक्त नजर आ रही है, तो बहुत मुमकिन वहां पर अमित शाह आपको थोड़ी देर में बैठे हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण, सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी रविकांत यहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। रविकांत, सब तैयार हैं, फ्रेम सेट है, बस क्लिक होने का इंतजार तस्वीर के। देखिए, क्लिक होने का बस इंतजार है, लेकिन अभी एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी यहां पर हो गई है। नरहरि अमीन राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, जिनको की थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन जल्द ही सामान्य रूप से शुरू होगा और फोटो होगी। बिल्कुल, और इस बीच ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जो जानकारी रविकांत दे रहे थे अभी, तो वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जरा सा वक्त लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है। मुझे लगता है कि कुछ सांसद अभी नीचे भी खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, शायद उनको अभी फ्रेम में जगह नहीं मिल पाई है, जिसमें दिग्विजय सिंह भी नजर आ रहे हैं हमें खड़े हुए, तो इंतजार किया जा रहा है कि वो भी कहीं पर एडजस्ट हो जाएं ताकि फ्रेम में वो आ सके। रविकांत, बिल्कुल रोमाना, खुद मनोज तिवारी इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी जगह तलाश रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, तो वो बाहर खड़े हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल इस समय बाहर खड़े हुए हैं, तमाम ऐसे सांसद हैं। थोड़ी देर पहले हम अनिल बनोली को भी देख रहे थे, वो अपनी जगह तलाश रहे थे, तो इस तरीके से तमाम सांसद हैं जो अभी नीचे हैं, उनको वहाँ जगह मिली है। कोशिश हो रही है कि उनको नीचे ही कहीं इस तरह से एंगल पे खड़ा किया जाए, ताकि वो भी पूरे फ्रेम में आ सके। इस व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, जैसे ही मेडिकल इमरजेंसी की जो प्रोसेस चल रहा है उनको रिलीफ देने, उसके बाद मैं रविकांत मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल देखिए, नीचे जो सांसद खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके लिए भी जगह बन पाए, ये मलूक नगर साहब वो भी फ्रेम से तो बाहर ही नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि फ्रेम तो जो है वो तो जहां तक वो एक तरीके से रेलिंग सी लगी आ रही है, उसी के अंदर ही तक फ्रेम सीमित रहेगा। कुल मिलाकर इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है राकेश शुक्ला जी कि जो जल्दी आवत है वही जगह पावत है, तो मतलब जो लेट हो गए अब इंतजार कीजिए। जी बिल्कुल सही है, पहले आओ पहले पाओ की पद्धति रही है, और आप कई आयोजनों में देखते भी हैं कि उसमें लिख के आता है कि जो पहले आएगा वो पहले सीट पाएगा। और मुझे लगता है संसद भवन की जो ये तस्वीर है इसमें यही है कि यदि आप थोड़ा सा भी विलम्ब करेंगे तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज और देखिएगा रोमाना जी, अपने दिल्ली में ब्लू लाइन की बस चला करती थी और वो ठसा ठस भस के चलती थी, लेकिन जब हम उस पर चढ़ते थे तो जगह नहीं होती थी, लेकिन बस चलने के बाद आप देखिए उसमें अच्छे खासे सारी सवारियां समायोजित हो जाती थी। यहाँ भी आप देखिएगा जिस समय कैमरा जिस समय पर कैमरा पहुंचेगा सामने, उस समय पर सारे लोग अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खूबसूरती होती है ग्रुप फोटो की, और वो दिखा भी दिए, वो जो एक्रोबैटिक स्किल अपने नामग्याल जी दिखा रहे थे ना, लद्दाख वाले अपने जो सांसद है वो जिस तरीके से पीछे से छलांग लगाकर अंदर से घुसते हुए नजर आए, वो भी बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। अब आप देखिए जेपी नड्डा और खड़गे साहब की फोटो हमें देखने को मिलती नहीं है, मैं दूर से देख रहा था और जरा सा क्षण दिखा मुझे कि दोनों लोग एक साथ बैठे हुए पहली रूम में, ये भी अपने आप में बहुत कम देखने को मिलता है। और सच बात है, ये परिवार है, परिवार के तरीके से अगर दिखे और जनता में मैसेज वही परिवार का दिख जाए कि हाँ हम सब एक परिवार हैं, विरोध जहाँ जरूरी है वहाँ किया जाना है, जहाँ नहीं जरूरी वहाँ नहीं किया जाना, सब उसी तरीके से नजर आए, तो शायद ये बहुत अच्छी तस्वीर होगी, लोगों के मन में याद रहेगी। लेकिन अगर फिर दो वक्त की बात है, दो क्षण की बात है और बाद में फिर वही होना है तो फिर ठीक है, एक तस्वीर लेकिन अभी जिस तरीके से कुछ सांसद नीचे खड़े हुए हैं, जिसमें
सत्ता पक्ष के भी सांसद हैं, इंतजार कर रहे हैं, विपक्ष के भी सांसद हैं, इंतजार कर रहे हैं आपको जो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मामला वो स्कूल वाले ग्रुप फोटो का नहीं है, यहाँ पर मुझे लगता है मामला ज्यादा वो शादी वाले ग्रुप फोटो का हो रहा है, वही, वही, तो कहीं ऐसा ना हो कि कई फूफा यहाँ पर नाराज हो जाए। कोई फूफा नाराज असल में इस समय होने की स्थिति है नहीं, क्योंकि सब लड़की के पूरे प्रमुख और लड़के वाले प्रमुख सब एक साथ बैठ गए हैं, अब फूफा किनारे जाएं तो जाएं, देखा जाएगा वाली मुद्रा चल रही है समय बिल्कुल, लेकिन अभी अभी सब एडजस्ट नहीं हो पाए और इसी वजह से इंतजार हो रहा है वो क्लिक होने का, फ्रेम तैयार है लेकिन फ्रेम में अभी सब एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और उन्हीं को एडजस्ट करने की कोशिशें लगातार जारी है और मुझे लगता है कुछ उसी के इंतजाम में यहाँ पर पीयूष गोयल भी निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं आपको। आयोजन में कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है रोमाना जी कि जब बहुत सारी भीड़ होती है तो आप देखिए कोई ना कोई हमारा परिचित या हमारा मित्र बैठा होता है और वो इशारा करके बुलाता है कि आप हमारे पास आ जाओ, हम यहाँ पे आपको बैठने का प्रबंधन करेंगे, तो आप देखेंगे जितने लोग बाहर खड़े हैं उनका कोई ना कोई ऐसा होगा मित्र जो उनको इशारा करेगा कि आप आइए आपके लिए हम यहाँ पे जगह बनाते हैं। तो जितने सांसद हमें अभी बाहर दिख रहे हैं वो देखिएगा कहीं ना कहीं अभी 2 से 5 मिनट के अंदर सारे के सारे लोग एडजस्ट हो जाएंगे। इशारों वाली आप बात कह रहे थे ना, वो इशारों वाला नजारा भी देखने के लिए मिला था जहां राहुल गांधी जो अपनी जगह सिक्योर कर चुके हैं इस फोटो फ्रेम में, वो लग रहा है नीचे जो सांसद खड़े हुए हैं कुछ उनसे मुस्कुराकर इशारा करते हुए उनको नजर आ रहे थे, या तो कह रहे होंगे कि हाँ यहाँ पर जगह नहीं है या कह रहे होंगे लेट आए आप सब, हमारे पास तो अब जगह नहीं बची, अब इंतजार कीजिए। ये तस्वीर देखिए, दिग्विजय सिंह नीचे खड़े हुए हैं, अन्य सांसद यहाँ पर खड़े हुए हैं नीचे कतार में, सोच रहे हैं कहां पर वो एडजस्ट होंगे और इन्हीं को एडजस्ट करने की वजह से अभी कुछ समय लगता हुआ। रविकांत हैं क्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी, जरा अपडेट ले लेंगे हम रविकांत से कि क्या तैयारी की जा रही है, क्या कैसे एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है रविकांत, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कई सांसद हैं जो नीचे इंतजार कर रहे हैं। रोमाना देखिए, जो वन अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो समाप्त हो चुकी है, जो सांसद हैं अब वो नीचे आ रहे हैं, तमाम सांसद जो बाहर रह गए थे उनको मौका नहीं मिल पाया, अगर वो विभाग से फ्रेंड आ गए हों तो आ गए हों, अन्यथा वो नीचे ही रह गए हैं और कई सारे सांसद हैं जो निश्चित ही फ्रेम में नहीं आ पाए होंगे क्योंकि वो भीड़ के पीछे थे। सोनिया गांधी अभी हमारे सामने से उतर के अपने ऑफिस में गई हैं, राहुल गांधी टॉप पे खड़े थे वहां से उतर करके वो गए हैं और अब सांसद धीरे धीरे यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं, अभी भी करीब 100 से ज्यादा सांसद सीढ़ियों पर हैं और अपने नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह की भगदड़ ना हो इसके लिए सांसद बहुत ही धैर्य के साथ धीरे धीरे उतर रहे हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे सांसद हैं जो नीचे के रो में हैं, तो ऊपर के जो सांसद हैं उनको उतरने में थोड़ी देर लग रही है, हालांकि दो तरफ से सीढ़ियां टॉप से ही उतरने के लिए बनाई गई हैं जी, किनारे के सांसद हैं उनको सीढ़ियों तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग रहा है। बिल्कुल, तो लोकसभा वाले फोटो फ्रेम में तमाम लोकसभा के सांसद आराम से एडजस्ट कर गए, राज्यसभा वाले फोटो फ्रेम में सभी राज्यसभा वाले सांसद एडजस्ट कर गए, लेकिन ये जो एक कंबाइंड फोटो होनी थी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को एक साथ एक तस्वीर में नजर आना था, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हुई है जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे रविकांत, 750 से ज्यादा भी तो आंकड़ा बैठता है ना अभी दोनों सदनों के मिलाकर सांसदों का। हाँ रुमाना जी, आप अंदर का जहाँ पे ये फोटो सेशन हो रहा है वहाँ पे आप अंदर देखी होंगी पार्लियामेंट के अंदर की वहाँ इतनी जगह नहीं है कि आप सारे सांसदों को एक साथ पंक्तिबद्ध करके फोटो ले सके और फ्रेम बना सके, तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी समस्या तो आई होगी, पर मुझे लगता है कि वो जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे स्कूल के ग्रुप फोटो की, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो गया होगा और वो ग्रुप फोटो लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की इसलिए भी सारे सांसद चाहेंगे क्योंकि ये फोटो मुझे लगता है भारत के लिए सबसे ऐतिहासिक पल होगा 1952 के बाद, क्योंकि इसमें उनका रहना अपने आप में एक इतिहास के पन्नों पे दर्ज होना। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ये नया भारत है और ये नए भारत का नया इतिहास बन रहा है, 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने में यही वो सांसद है जो अहम भूमिका निभाएंगे क्योंकि यहीं से वो नीतियां और वो तैयारी की जानी है जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में भी दे दिया गया था। अक्कू जी,
देखिए नीतियों और तैयारियों का जहां तक होगा सवाल, तो ये देश का भविष्य, देश के युवा, देश की जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा और इसमें प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो गौरवशाली होंगे, और यदा कदा उनको दिखाया जाएगा ये तुम्हारे पिताजी दादाजी वगैरह वगैरह यहाँ इन्होंने ये कंट्रीब्यूशन किया है। तो इस लिहाज से ये ड्राइंग रूम की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। ये जो 750-800 लोग हैं इनके ड्राइंग रूम में कल परसों से इसका लगना शुरू हो जाएगा, और ये क्योंकि ये अंतिम सत्र है इस तो अंतिम सत्र होने की वजह से ये तस्वीर और महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के साथ और लोग हैं। अंतिम सत्र मेरे ख्याल से आज तो यहाँ पर कुछ सत्र नहीं होना है, आज तो सिर्फ ग्रुप फोटो होना है और सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम। ये एक अंतिम सत्र का हिस्सा माना जा रहा है पुरानी संसद। हाँ, पुरानी संसद में, और नए वाले में तो खैर अब क्या होगा ये गलत देखा जाएगा। नए संसद भवन में और नए भारत के लिए वो नई नीतियां जिससे 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार हो, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कल इस रूप में किया गया कि सत्र छोटा जरूर है लेकिन समय के लिहाज से यह सत्र बेहद बड़ा है, महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है इस रूप में कि ऐतिहासिक फैसले इस सत्र में लिए जाएंगे, और वो ऐतिहासिक फैसले जिसका गवाह नया संसद भवन बनेगा। शुक्ला जी, क्या लग रहा है सबसे बड़ा फैसला वही महिला आरक्षण वाला? निश्चित तौर पे जब नए भवन की शुरुआत होगी तो कुछ ना कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जिससे वो नए सत्र में, नए संसद भवन में नई बात का एक मुझे लगता है कि शुरुआत हो, और इसीलिए कल कैबिनेट की बैठक शाम को हुई जो आमतौर पे बुधवार को होती है, वो सोमवार की रात को बैठक हुई, उसमें महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई और संसद के आज के सत्र में उसको पेश किया जाएगा, और उससे एक नई शुरुआत नए संसद भवन में होगी, और वो भी उस बात की शुरुआत हो रही है जो लंबे समय से मांग चल रही है, कई बार संसद में आई वो विषय और वो पारित नहीं हो सका। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं संसद भवन, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित से जरा अभी का अपडेट लेते हैं। अंकित, फोटो सेशन मुकम्मल हो गया है, अब क्या सेंट्रल हॉल की तरफ जाते हुए सांसदों को देख पा रहे हैं आप? इस वक्त किस तरीके की वो हलचल नजर आ रही है इस पुराने संसद भवन में? अंकित, रोमना, इस वक्त मैं ठीक सेंट्रल हॉल और उस जगह के बीच में मौजूद हूँ जहाँ पर सांसदों की फोटोग्राफ हो रही है। अभी जो प्रोग्राम बाकी है, अभी ऐसा नहीं है कि ये फोटो सेशन ओवर हो गया है, जो फोटोग्राफ है राज्यसभा के सांसदों की फोटोग्राफ का बोनी है और उनको अरेंज यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि वो जो किस स्टैंडिंग ऑर्डर में खड़े होंगे वो जो है पोजीशन सेट की जा रही है, उसके बाद में राज्यसभा के सांसदों की फोटोग्राफ होगी। तो उसके बाद जानकारी मिली है, अभी एक ज्वाइंट फोटोग्राफ हो चुकी है लोकसभा और राज्यसभा की। दिक्कत आ गई है, अंकित गुप्ता बता रहे हैं कि वो जो जॉइंट फोटोग्राफ होनी थी राज्यसभा और लोकसभा वाले सांसदों की वो तो हो गई है, लेकिन अब जो अलग अलग तस्वीर खींचनी है, एक सिर्फ राज्यसभा सांसदों की, एक सिर्फ लोकसभा सांसदों की, वो अभी बाकी है। और ऐसे में जो लोकसभा के सांसद हैं अब वो सेंट्रल हॉल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो राज्यसभा के सांसद हैं वो यहीं पर रुकेंगे इसी कोर्टयार्ड में, अब उनकी तस्वीर क्लिक की जाएगी। और जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर कि फिलहाल तरीके से आप कह सकते हैं कि ये रौनक, ये चहल पहल आखिरी बार इस तरीके की रौनक और चहल पहल यहाँ इस पुराने संसद भवन में आज देखी जा रही है, ऐतिहासिक ये पल। बिल्कुल सही बात है, ये ऐतिहासिक पल है और रौनक हम सब मानेंगे कि ये रौनक आगे भी बरकरार रहे, नए भवन में भी रहे, नए तरीके से भी कायम रहे, लेकिन वही बार बार सवाल आम आदमी के बल में होगा कि ये रौनक क्यों नहीं स्थायी भाव लेती है, क्यों नहीं हम लोग एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं इसमें एक सही बहस होती है, क्यों संसद को बाधित होना पड़ता है, क्यों करोड़ों रुपया हमारा आपका टैक्स का बर्बाद होता है, क्यों सही दिशा में बढ़ा है ना कि साहब नए संसद भवन, लेकिन क्या राजनीति उस नए संसद भवन में नई नजर आएगी? या तो राजनीतिक धर्रा जो है वो नए संसद भवन में भी वही पुराना वाला रहने वाला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, आप बता रहे थे कि इस वक्त वो कंबाइंड फोटो तो हो चुकी है, हालांकि उसमें कुछ सांसद छूट भी गए हैं, लेकिन अब जो अलग अलग फोटो सेशन होना है उसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं हम। शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो नए संसद भवन में नया शुभारंभ, नया इतिहास और उसमें सबसे ऐतिहासिक फैसला, आधी आबादी को पूरा हक राजनीतिक तौर पर देने का?
दो तरह से देखा जाए, एक तो ये देखा जाए कि ये मामला बहुत समय से लंबित था और इसकी बहुत आवश्यकता थी भारत के लिए। दूसरा इसके राजनीतिक पक्ष देखा जाए तो पिछले दो तीन चुनावों में आप देखेंगे विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा हुआ है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव का यदि हम देखें 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी को 35% से ज़्यादा महिला मतदाताओं को वोट मिला। 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में देखें तो जो वोट परसेंट भले ही सीटें कम हो गई लेकिन जो वोट परसेंट आप उनका बढ़ा वो महिला मतदाताओं का वोट परसेंट बढ़ा था। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिलने के बाद भी सीटें कम रही लेकिन वोट परसेंटेज देखें तो भारतीय जनता पार्टी को महिला मतदाताओं का वोट ज़्यादा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तुरुप का इक्का साबित होगा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मन में ये उठता है कि साहब महिला आरक्षण बिल अगर यही वो ऐतिहासिक फैसला ऐतिहासिक निर्णय जिसकी वजह से विशेष सत्र बुलाया गया तो जो कुछ सांसद कह भी रहे हैं विपक्ष की तरफ से खासतौर से बात कही जा रही है कि साहब ये लेकर आना था तो पहले से ही इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दे दी गई, इसको लेकर इतना सस्पेंस इतनी राजदारी क्यों, इसको लेकर आप लोगों के मन में जो जवाब आता है मैं लूंगी लेकिन पहले जरा जल्दी से अंकित गुप्ता के पास फिर से चलना पड़ेगा। हमें जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से इस वक्त किस तरीके की चहल पहल। अंकित रोमाना इस वक्त है सांसदों की ये फोटोग्राफ और आप लोकसभा के सांसद फोटो क्लिक करवाने जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सांसदों से यहाँ पर जो है बात करवा सकूं उनके लिए कैसा ड्रामा देखिए हमारे साथ में। अंकित बहुत दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो फिलहाल वो फोटो सेशन राज्यसभा सांसदों का हो चुका है, अब लोकसभा सांसदों का फोटो सेशन हो रहा है। लेकिन जो बात हम कर रहे थे अक्कू सर, ये महिला आरक्षण बिल इसको लेकर तो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस का पूरा समर्थन था, तो फिर इतना सस्पेंस आपको क्या लगता है क्यों? देखिए सस्पेंस, देखिए राजनीति में सस्पेंस का अर्थ जो है वो रणनीति से होता है। सस्पेंस और रणनीति अपने आप में एक दूसरे जुड़ी है। नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी की भाजपा नीति सरकार जो है वो रणनीति में बहुत काम करती रही है और तभी उसको उसका लाभ भी मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आरक्षण विधेयक को अभी ये महिला आरक्षण विधेयक को लाने की कोशिश की है, ये बात सही है कि कांग्रेस ने पेश किया था लेकिन कर तो नहीं पाए थे और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने पूरा उसमें आग लगाई थी, तो इसलिए ये सब ये पूरा परसेप्शन नहीं बनने पाए कि कांग्रेस का इसमें योगदान है। तो इसलिए आज देखिए आप, कल संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट किया और फिर उसे हटा लिया, लेकिन जब ये लग गया कि सब लोगों को पता लग ही गया है तो फिर उसको उसी हिसाब से चारों तरफ फैलाया जाने लगा, चारों तरफ बातचीत होने लगी। मीनाक्षी ने जो है अपने घर में महिलाओं को बुला लिया और महिला सांसद जो है वो इस पर बात करने लगी, तो अब खुल करके उस पर बात होगी और मुझे तो लगता है बहुत आराम से पास होगा, इसमें तो कोई विरोध की संभावना ही नहीं। कांग्रेस जिस तरीके से सामने आ गई है तो अब उसके पास में कोई चारा नहीं है कि वो इसका विरोध कर सके, और छोटे दल खास तौर से जो समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, आरजेडी, ये सब लोग अब अपने अपने उसमें बंद जाएंगे, मुश्किल होगी। आपने अच्छा हुआ समाजवादी पार्टी आरजेडी का नाम ले लिया क्योंकि यही वो दल थे जब 2010 में कांग्रेस ने राज्यसभा से बिल पास करवा लिया था महिला आरक्षण वाला, तब इनकी तरफ से कोटे के भीतर कोटे वाली जो मांग की गई थी। आपको क्या लगता है शुक्ला जी, ये महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर मोदी सरकार अब देश के सामने आने वाली है, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2010 में कांग्रेस लेकर आई थी या जिस तरीके से कैबिनेट ने कल अप्रूव किया है इसको, तो प्रारूप बदला हुआ होगा और वो आरक्षण के भीतर आरक्षण वाली यहाँ पर कोई गुंजाइश बनती हुई आप देख रहे हैं? मुझे लगता है विपक्ष के पास अब कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा कि वो विरोध की स्थिति में पहुंच सके, क्योंकि जिन दलों की तरफ से पहले विरोध किया गया था 2008-10 में वो चेहरे बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम युग समाप्त हो चुका है, अखिलेश यादव युवा पीढ़ी का आ गया है, आरजेडी में भी अब तेजस्वी के हाथ में पूरी राजनीतिक कमान आ चुकी है, लालू यादव जी सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी कोल्ड स्टोर में पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अब पूरी की पूरी पीढ़ी बदल चुकी है, ऐसे में सबको ये आवश्यकता है, खासकर युवा पीढ़ी जिनके हाथ में राजनीतिक दलों की कमान है, वो भी चाहेंगे कि महिलाओं से विरोध लेना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है बदलते राजनीति में अब किसी भी राजनीतिक दल के पास ये स्थितियां नहीं बची कि वो महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर सके और उसमें किंतु परंतु का सवाल खड़ा कर सके।
सर मैं आपके पास लौटूंगी, इस बीच जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये और साफ तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस वक्त ग्रुप फोटो हो रहा था उसी समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें आप देख रहे हैं लोकसभा राज्यसभा के सांसद, दोनों सदनों के सांसदों के लिए जब ग्रुप फोटो का इंतजाम रखा गया उस वक्त की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं आप आगे की रो में बैठे हुए, और उनके बराबर में देख रहे हैं आप उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को, फिर ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनाथ सिंह बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वो देखिए कोने में राहुल गांधी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, यहीं पहली कतार में जो कुर्सियां रखी गई हैं उसी में एक तरफ सोनिया गांधी भी बैठी हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद है। विकास, पुरानी संसद को विदाई देने का समय, नई संसद में शुभारंभ का समय, इस वक्त किस तरीके की चहल पहल यहाँ संसद भवन परिसर में आप देख पा रहे हैं? देखिए जबरदस्त उत्साह है सांसदों के बीच और खासतौर पर महिला सांसदों के बीच, क्योंकि आज का जो ऐतिहासिक दिन है वो दो तरह से देश में नए इतिहास लिख रहा है। एक गुलामी की जो निशानी है उसमें से एक संसद भवन भी है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसका निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, भले ही इसमें हमारा पैसा, हमारे श्रमिक, हमारे मजदूरों का योगदान खून पसीना लगाओ, लेकिन ये अंग्रेजों ने बनाया था। और वक्त आ गया है कि हम देश की निशानी देश के भीतर देश के लोगों के जरिए तैयार करें, तो एक तरह से नई संसद में प्रवेश हो रहा है। और दूसरा जो महिला आरक्षण बिल है वो भी आज सदन में पेश हो सकता है, तो लेकर खासतौर पर महिला सांसदों में खासा उत्साह है। सज धज कर जो महिला सांसद आज यहाँ पहुंची हुई है उनके मन में, उनके आंखों में वो चमक है कि आखिरकार 27 साल बाद जो महिला आरक्षण बिल है जो कि दूर की पौड़ी लगने लगा था, लगता था कि जो राजनीति है देश की उसमें ये महिला आरक्षण बिल पास ही नहीं हो सकता, महिलाओं को उनका हक नहीं मिल सकता, लेकिन आज वो दिन है जब न केवल महिला आरक्षण बिल सदन में पेश होगा और अगले कुछ दिनों के भीतर वो संसद से पास होकर कानून भी बन जाएगा, बल्कि आज ही वो पुरानी संसद से नई वैभवशाली और नई तकनीक से सुसज्जित संसद भवन में भी पहुंचेंगे। तो डबल उत्साह सांसदों के बीच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है नई संसद की कि आपको बता रहे हैं कि अब आई कार्ड और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहीं भी सांसद को रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करते होंगे, उनकी आंखों के आयरिस से उनकी उनके एंट्रेंस के लिए गेट खुलेगा और उनकी उपस्थिति भी दर्ज हो जाएगी। हालांकि मैनुअल रजिस्टर उसके बाद ही रखा जाएगा कि किसी सूरत में अगर आई कार्ड लाना भूल गया सांसद और आयरिस में भी कुछ सिस्टम में भी कुछ दिक्कत आ गई है तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, लेकिन हाईटेक संसद भवन है न केवल। तो मतलब विकास भदौरिया जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि तकनीक के जरिए ये नई संसद भवन यहाँ पर सुरक्षा के और एक तरीके से पुख्ता इंतजाम होते हुए नजर आ रहे हैं इन तमाम व्यवस्थाओं से जिसका जिक्र आपने किया, एक महत्वपूर्ण बात वो किस रूप में पुरानी संसद से नए संसद की ओर प्रस्थान किया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर पैदल चलकर जाएंगे और उनके सांसद अन्य तमाम सांसद, वो क्या सिर्फ एनडीए के सांसद होंगे या फिर सहमति बन गई है तमाम सांसद विपक्षी दलों के भी यूं ही इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चलकर जाएंगे? विकास जी बिल्कुल, देखिए जब सेंट्रल हॉल का कार्यक्रम तकरीबन 12:30 बजे के आसपास संपन्न हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी, ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे सबसे चलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में संविधान की एक प्रति होगी और उनके पीछे पीछे तमाम जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होंगे वो प्रस्थान करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नई संसद भवन में प्रवेश कर जाएंगे पीछे से सभी सांसद अपने अपने सत्रों में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जो सांसद जिस सदन का है वहां पर वो पहुंच जाएगा और उसके बाद एक संक्षिप्त कार्रवाई आज लोकसभा और राज्यसभा की शुरू होगी। और उसी वक्त ये माना जा रहा है कि लोकसभा में सरकार की तरफ से जो महिला आरक्षण बिल है उसको पेश भी किया जा सकता है, हालांकि अभी तक ये सर्कुलेट नहीं हुआ है लेकिन उसके बावजूद 3 घंटे के नोटिस पर ही इस ड्राफ्ट को सर्कुलेट करने के बाद कैबिनेट से जो महिला आरक्षण बिल का ड्राफ्ट मंजूर हुआ उसको सर्कुलेट करने के बाद सरकार उसको टेबल भी कर सकती है। और ये कुछ जानकारी मिल रही है कौन इसको टेबल करेगा, किसकी तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इस तरीके की कुछ जानकारियां? और एक खबर जो आ रही थी कि बहुत मुमकिन है कुछ सीटों को बढ़ाने का भी फैसला लिया जाए और एक ड्यूअल मेंबरशिप वाला जो प्रावधान कभी पहले 1952 से लेकर 1957 तक देश में देखने के लिए मिलता था उस तरीके का कोई इंतजाम किया जाए, उसको लेकर कोई जानकारी? विकास
जी देखिए, अभी तक बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं आई है क्योंकि जो कैबिनेट से ड्राफ्ट मंजूर हुआ है उसकी कॉपी नहीं मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब महिला आरक्षण बिल की कॉपी सदन में रख दी जाएगी, टेबल कर दिया जाएगा, उसके बाद इसकी पूरे डिटेल मिलेंगी। लेकिन 1952 तक ये व्यवस्था थी देश में, और ऐसी सूरत में ये व्यवस्था भी अभी की जा सकती है कि तकरीबन 180 जो सीट्स होंगी लोकसभा की, उन पर ड्यूल मेंबरशिप कर दी जाए, यानी कि एक महिला सीट भी वहां से चुनाव चुनकर भेजी जा सकती है। और उसके बाद जब 2027 में परिसीमन हो जाए तो 2027 जब लोकसभा चुनाव हो 180 सीटों का विस्तार करके और फिर ये ड्यूल मेंबरशिप खत्म करके सिंगल मेंबरशिप कर दी जाए। हालांकि ड्राफ्ट जब सामने आएगा उसके बाद ही ये डिटेल्स आपके सामने अपने दर्शकों के साथ आ जाएगा। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई अपडेट मिलेगा फौरन आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी पल पल का अपडेट देते हुए, और ये संसद भवन से तस्वीरें जो आ रही हैं कुछ देर पहले की हैं, जिस वक्त ये फोटो क्लिक की जा रही थी, ग्रुप फोटोज, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप इस रूप में देख लीजिए कि ये इतिहास है जो आप अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि 18 जनवरी 1927 को ये पुरानी संसद जो बनकर तैयार हुई थी, और अब आज 19 सितंबर 2023 को इस संसद को विदाई का दिन है। मुकम्मल तौर पर विदाई आज दी जा रही है, और उसी विदाई के मौके पर ये तस्वीर जो यहां पर खींची गई है इस रूप में कि एक याद के तौर पर हमेशा के लिए इसको जिंदा रखा जा सके, संजोकर रखा जा सके। हम सीधे रुख करेंगे दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ लगातार बने हुए। अक्कू सर, जो एक बात कही जा रही है कि बहुत मुमकिन है वो डुअल मेंबरशिप वाला प्रावधान जो कभी 1952-1957 में हुआ करता था, उसी फॉर्मूले के तहत ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ाए, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? ये एक संभावना है, लेकिन इसमें प्रोस एंड कॉन्स और इसकी क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या संभावनाएं होंगी, इस पर एक ज़रूर मुश्किल है मुझे लग रहा है, और अभी इतना आसान नहीं है। लेकिन एक सूचना जो मेरे पास आ रही है, पता नहीं कितनी सही है झूठ है मैं नहीं कह सकता, निर्मला सीतारमण इसको पेश कर सकती हैं। अच्छा। इस पर शुरुआत तौर पर उसमें ला सकती हैं अपनी बात कहने के लिए, और ये इस ध्वनि को और मजबूत करेगा कि सरकार महिलाओं के साथ कितना साबका रखना चाहती है, कितने आगे तक ले जाना चाहती है। असल में जो आप जिस बात का जिक्र करें, एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं हम शुक्ला जी का भी, कि अगर सरकार की बात की जाए, मोदी सरकार, तो राजनीति में प्रतीकों का इस्तेमाल किस रूप में किया जाना है वो बेहतर मोदी सरकार के और कोई इस्तेमाल करता हुआ अभी तक राजनीतिक इतिहास में देश में कम से कम नजर नहीं आता है। और उसी से जोड़कर कि ये महिला आरक्षण वाला मसौदा और इसको रखा जाएगा निर्मला सीतारमण की ओर से, तो सब कुछ वो कड़ियां एब्सोल्युटली जुड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही। देखिए, मोदी जी के बारे में जो अभी तक सामने आया है उसके हिसाब से उनके दाया हाथ क्या कर रहा है वो बाएं हाथ को पता नहीं चलता, और महिला आरक्षण विधेयक आने वाला है और कैबिनेट में भी इसकी मंजूरी हो जाएगी, इसकी भी किसी को संभावना नहीं थी। तो कोई एक विषय नहीं है, 2014 से लेके 2023 तक उनके जितने भी निर्णय हुए हैं सारे निर्णय ऐसे हुए हैं कि जिसने सबको बहुचक कर दिया है। तो अगला लोकसभा में कौन पेश करेगा, ये तो स्वाभाविक है कि महिला आरक्षण विधेयक किसी महिला सांसद की तरफ से ही प्रस्तुत कराया जा सकता है, लेकिन वो चेहरा कौन होगा, किसको महत्व देंगे मोदी जी, किसको ले आके वो प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक का, ये अभी से अंदाजा लगाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन ये महिला आरक्षण वाला मामला लीक हो गई है खबर पहले से, ये शायद 10 साल के इतिहास में उनके कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अखबार वाले मीडिया सब बड़ा खुश होंगे कि यार चलो हम लोगों ने एक तुक्का जो है सही तो लग गया। और ये तुक्का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हालात ऐसे थे, चीजें ऐसी थी जिसमें लग रहा था कि सरकार को। सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, ये तीन तस्वीरें एक तरीके से इस लिहाज से बेहद ऐतिहासिक हो जाती हैं क्योंकि ये वो तीन तारीखें हैं जब एक तरफ आप देख रहे हैं 10 दिसंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी इस नए संसद भवन की, इसके बाद 11 जुलाई 2022 की तस्वीर जब अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ, हालांकि उस दौरान विवाद भी बहुत हो गया था कि साहब अशोक स्तंभ वाले ये जो शेर हैं ये कुछ ज्यादा ही आक्रामक बना दिए गए, और फिर 28 मई 2023 जब इस नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और विवाद तब भी इस रूप में हुआ कि विपक्ष ने तो एक तरीके से बॉयकॉट ही कर दिया था, इस उद्घाटन समारोह के अंदर विपक्ष की तरफ से शिरकत ही नहीं हुई थी। हालांकि ये तस्वीरें यादगार रहीं किस रूप में वो सिंगोल की प्रथा और सिंगोल को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में
दाखिल हुए थे और फिर उसको स्थापित किया गया था लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक बराबर में। तो ये वो तीन तस्वीरें। जी सर, बिल्कुल, ये तीन तस्वीर अपने आप में बहुत ऐतिहासिक हैं, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि कोई भी विरोध की ऐसी तस्वीर सामने शायद नहीं आएगी, क्योंकि सबको पता है कि इस राजनीति में आज के दिन ऐसा करना, वो एक बड़े वोट बैंक से अपने आप को अलग करेंगे। महिलाओं का वोट बैंक है, बहुत बड़ी बात है, और ये ऑफिशियली कहीं बहुत सामने नहीं आया, लेकिन कल ये इस बारे में बातचीत की गई कि सोनिया गांधी ने इस आरक्षण विधेयक को लेकर के अपने सहयोगी दलों से इंडिया INDIA के जो और सदस्य थे उनसे बातचीत की और उस पर अपने रुख को बहुत स्पष्ट रखने को कहा, और शायद ये भी एक संकेत गया है कि आप इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करें, नहीं तो मुश्किल होगी। तो आज मुझे लगता है कि विरोध के दिन आज नहीं है, आज सब लोग उसको बहुत सारा, थोड़ी बहुत बातचीत जरूर की जाएगी समाजवादी पार्टी से, बेहतर है सर ये कह रहा कि विरोध का मुद्दा नहीं है, क्योंकि हाँ। महिलाओं का जो मुद्दा है नहीं, वो वोट बैंक के लिहाज से महिलाएं जिस रूप में इस देश के अंदर अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आ रही हैं, अब कोई भी राजनीतिक दल जो है वो आग से खेलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा कि जिस चीज का वक्त आ चुका है राजनीतिक तौर पर महिलाओं को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसमें रोड़ा अटकाता हुआ वो देश में नजर आए। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जितने पुरुष वोटर इस देश में उससे ज्यादा महिला वोटर्स ने 2019 लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। महिलाएं कई जो में सरकार बनाती बिगाड़ती अपनी वोट की शक्ति से नजर आती हैं, तो महिलाओं की ये ताकत जिसके आगे नतमस्तक इस वक्त पूरे राजनीतिक बिरादरी आप कह सकते हैं इस रूप में नजर आ रही है कि जब बात देश में ऐतिहासिक महिला आरक्षण की हो रही है तो कोई भी उसके विरोध में बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो महिला सांसद बिल अगर पास हुआ तो किस रूप में यह प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ेगा यह भी आपके सामने है। 543 लोकसभा की सीटें जिसमें 179 महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, और अगर विधानसभाओं की बात की जाए तो 4123 देशभर में जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें 1361 पर महिला प्रतिनिधि आपको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही राज्यवार हिसाब से भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये तब्दीली आएगी, कैसे महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ता चला जाएगा देश की सियासत में। और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने लिए इस हिस्सेदारी को इस देश की महिलाओं ने खुद आगे बढ़कर हासिल किया है अपने वोट की ताकत पर।